Good morning children, welcome to online classes and today's our topic is comparing and arranging. So, आज हम लोग सीखने वाले हैं टू डिजिट्स के नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं. कंपेयर इट मीन्स विच नंबर इज ग्रेटर देन एंड विच नंबर इज स्मॉलर देन एंड विच नंबर इज इक्वल. ओके, सो लेट्स सी ऑन बोर्ड. नंबर को कंपेयर करने के लिए थ्री सिंबल्स का हम लोग यूज करते हैं. सो फर्स्ट इज ग्रेटर देन. दिस नंबर इज रिप्रेजेंट द ग्रेटर देन नंबर्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ 24 एंड 17, टू नंबर्स. सो हम लोग कंपेयर करेंगे कि 24 बड़ा है या 17. ओके, सो यहाँ पे हम लोग बॉक्स बना देते हैं. सो तो यहाँ पे ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये सिंबल का यूज करते हैं. सो आप लोग समझ रहे हैं, दिस सिंबल इज रिप्रेजेंट ग्रेटर देन नंबर. सो 24 इज ग्रेटर देन 17. तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि इस सिंबल से आप लोग समझ पा रहे हैं कि 24 बड़ा है 17 से. एंड सेकेंड नंबर, सेकेंड सिंबल इज लेस देन नंबर. सो आवर सेकेंड पॉइंट इज दिस सिंबल. दिस सिंबल रिप्रेजेंट लेस देन नंबर. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 11 एंड 10. तो आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे 11 है और 10. ओके, सो 10 इज लेस देन 11. सो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जिधर नंबर बिगर होता है, जिधर नंबर जो बड़ा होगा, इस सिंबल्स का माउथ उधर ही ओपन करेंगे. ओके, एंड थर्ड सिंबल इज इक्वल. सो तो हमारा थर्ड सिंबल है इक्वल. ये सिंबल्स इक्वल नंबर को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल ट्वेल्व. तो आप लोग देख रहे हैं ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल है. ओके, तो यहाँ पे क्या साइन देंगे. सो यहाँ पे हम लोग साइन देंगे इक्वल का. तो आप लोगों ने थ्री सिंबल्स को समझ लिया है. फर्स्ट ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन को, ये लेस देन को एंड ये इक्वल को. ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे अरेंजिंग द नंबर. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अरेंजिंग द नंबर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करेंगे. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर तक. ओके, सो एग्जाम्पल ले लेते हैं. ओके, देखिए ये हमारा कुछ नंबर सीरीज है. अब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को लेते हैं. सबसे छोटे नंबर को लेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़े, फिर उसके बाद उससे बड़े नंबर को. देखिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वन. तो फर्स्ट हम लोग वन लेंगे एंड इसके बाद हम लोग लेंगे फोर को एंड नाइन, इलेवन एंड थर्टीन. ये हमारा देख रहे हैं, ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना. ओके, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर तक. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज डिसेंडिंग ऑर्डर. सो राइट द अब हम लोग सीखेंगे नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ओके, सो एग्जांपल से देख लेते हैं. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको बताया सबसे बड़े नंबर को लेते हो. तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ क्या है, 55 एंड उसके बाद 43, 33 एंड 12.
तो आप लोगों ने सीखा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को कैसे अरेंज करते हैं। ओके चिल्ड्रेन, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।